नमस्कार दोस्तों, इनवारो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों ने हजार्डस एयर पोल्यूटेंट ये शब्द कई बार सुना होगा। कई बार हम पढ़ते हैं हजार्डस एयर पोल्यूटेंट, टॉक्सिक एयर। तो बेसिकली एयर को कब टॉक्सिक एयर कहेंगे या हजार्डस एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, यही जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम डिफाइन करें कि टॉक्सिक एयर कब कहलाएगी। तो बेसिकली हजार्डस एयर पोल्यूटेंट और टॉक्सिक एयर कंटामिनेंट जो होते हैं वो सब्सटेंस हैं जो बेसिकली मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज करते हैं या ह्यूमन हेल्थ पे सीरियस इम्पैक्ट शो करें। और ये जो है ना केवल प्रेजेंट में जो आपकी हेल्थ है उसको अफेक्ट करें, बल्कि इनमें पोटेंशियल होता है कि ये भविष्य में, फ्यूचर में भी जो है ह्यूमन हेल्थ को, इकोसिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट हैं। अगर हम लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। कुछ पोल्यूटेंट जो हैं रोज़ हम देखते हैं कि उनका कंसंट्रेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। बट जब हम हजार्डस एयर पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो बेसिकली EPA ने जो है आपका US में जब क्लीन एयर एक्ट आया था तो उसके बाद में एक लिस्ट जारी की थी आपका, और उसमें 189 सब्सटेंस लिस्ट किए गए थे जो बेसिकली आपके क्या हैं, टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट या हजार्डस एयर पोल्यूटेंट हैं। 189 सब्सटेंस की लिस्ट है। बट ये सभी जो सब्सटेंस हैं ये एक समान यानी कि इक्वली जो है इनका इमिशन नहीं होता है, या आप कहिए कि ये इक्वल अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नहीं आते हैं। अगर हम देखें तो 90% इमिशन जो होता है वो इन 7 पोल्यूटेंट का होता है, या आप ये कहिए कि ये 7 पोल्यूटेंट जो हैं टोटल जितना भी आपका इमिशन है उसमें से 90% इमिशन इन्हीं पोल्यूटेंट का होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट जो कैटेगरी है, ठीक है, उस कैटेगरी में आते हैं ये 7 एयर पोल्यूटेंट। जैसे कि अगर आप इनको देखें तो आपका हम डाइऑक्सिनर फ्यूरॉन्स की बात तो करते ही हैं, सबसे कॉमनली आपका PCB, ठीक है, इसके बारे में भी हम अक्सर पढ़ते हैं मरकरी। बट आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन और आपका पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर और अल्काइलेटेड लेड कंपाउंड्स जो हैं, ये पूरा लिस्ट जो है आपका इन 7 कंपोनेंट का आप कह सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि डे बाय डे इनका अमाउंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे अभी मैंने बताया कि 90% इमिशन इन्हीं पोल्यूटेंट का होता है। इनमें से अगर डाइऑक्सिनन फ्यूरॉन्स की बात हमने सबसे पहले की, क्योंकि डाइऑक्सिनन फ्यूरॉन्स जो हैं ये आपके सॉलिड वेस्ट या हजार्डस वेस्ट की बर्निंग से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, और नाउ ए डेज वेस्ट को बर्न करना है ना, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली प्रैक्टिस है। अगर हम वेस्ट में सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे कॉमनली जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो है ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग के बाद में ओपन बर्निंग जो है वो आपका सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग प्रैक्टिस है
आपके जो सॉलिड वेस्ट को हम डील करते समय करते हैं। इसके अलावा जब हम इंसिनरेटर में भी अपने पोलूटेंट को बर्न करते हैं, तो अगर उसमें प्रॉपर तरीके से APCD यानी कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस ना लगाए जाएं, तो आपका डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स रिलीज होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। यही वजह है कि डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आजकल आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हजार्डस एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, ठीक है, या टॉक्सिक एयर जो है क्या है, और किन पूरी लिस्ट में कितने कंपाउंड हैं, और मेजरली कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं आजकल, और ये जो हैं आपके हजार्डस एयर पोल्यूटेंट की लिस्ट में टॉप पे हैं। इस वीडियो पे बेसिकली आपको कहीं ना कहीं पे एक क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, चाहे आप JRF का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर कोई भी आपके कंपटीशन होते हैं एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड, तो आपका टॉक्सिक एयर के आसपास एक क्वेश्चन जो है हमेशा पेपर में आता है बच्चों। गॉड ब्लेस यू।